यूपी के रामपुर में लब्बैक टूरिस्ट ट्रेवल्स के जानिब से 41 हाजियों को उम्रे के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें, लब्बैक टूरिस्ट ट्रेवल्स के डायरेक्टर बाबू अली ने लगातार जो है ये सेवाएं दे रहे हैं। कई साल से जो है उम्रा कराने के लिए हाजियों को रवाना कर रहे हैं। इस बार भी जो है 41 हाजियों को रवाना किया गया है। समाज सेवी फाहद खान ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया और साथ में ही खुद इस बार बाबू अली भी जो है इन हाजियों के साथ रवाना हुए। लब्बैक टूरिस्ट ट्रेवल्स का जो है एक संदेश है कि इबादत आपकी खिदमत हमारी, का ये संदेश देकर हाजियों को जो है भेजने का काम किया जा रहा है। कई दिन से लगातार हाजी जो है संपर्क में हैं और लगातार जो है हाजी इबादत करने के लिए कई जो है कई साल से बाबू अली जो डायरेक्टर हैं वो हाजियों को भेज रहे हैं और अपना जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो फिलहाल बाबू अली के संकल्प हैं कि हाजियों को कम बजट में और कम पैकेज में जो है उम्रा कराया जाए। इस लिहाज से समाज सेवी फाहद खान ने आज हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। और आपको बता दें, इस किसी तरीके की हाजियों को जो है कोई कमी ना हो, पूरी तरीके से उनको बैग से लेके सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, गाइड किया जाता है। और यही नहीं, पहले से जो है ये सेवाएं देते आ रहे हैं बाबू अली, और उनका संकल्प है कि इस बार भी जो है हाजी जो है निराश ना हो और उनको जो है रामपुर से जो है दिल्ली तक का आना जाने का सफ़र भी मुफ्त दिया जाए, फ्री दिया जाए। तो कुल मिला के यात्री के लिए जो है अच्छी पहल है। और खुशी खबरी भी है कि जो हज की तमन्ना दिल में रखते हैं, उम्रा करने की तमन्ना दिल में रखते हैं, वो लब्बैक ट्रेवल्स जो है के जानिब से जो है जाया जा रहा है और उनको भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरा 47 लोगों का उम्रा ग्रुप आज 1 दिसंबर को अलहमदुल्ला रामपुर नवाब गेट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। और ये पैकेज में मैंने, क्योंकि मैं साथ में हूँ आखिर तक और वापसी रामपुर तक इस पैकेज में, तो कोशिश ये करी है कि अल्लाह का शुक्र है कि रामपुर से ही बस लेके जा रही है और वापसी में रिटर्न जब भी हम 20 दिसंबर में आएंगे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस, ये बस रामपुर ही लेके आएगी। और ये पैकेज मेरा सऊदी एयरलाइंस का है, 20 दिन का है और 86,000 रुपये का पैकेज है। कोशिश यही रहती है कि 90 के नीचे नीचे इन पैकेजों को रखा जाए। सऊदी एयरलाइंस का अगर है तो, इंडिगो अगर है तो 80 से नीचे नीचे या 80 तक का ही पैकेज रखा जाए। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रब ताला के घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की हाजिरी कराई जाए, ऐसी मेरी कोशिश और ऐसा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक मकसद रहता है। क्या मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज है उन लोगों को जो लोग नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों, खास करके रामपुर जिला वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि हज हर साल महंगा होता चला जा रहा है और लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक काफी आदमी का हज का खर्च आ रहा है। जो कि माली एतबार से कमजोर लोग हैं वो इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं हज पर। उनके ऊपर हज फर्ज भी नहीं होता है, क्योंकि हज की फर्जियत तो माली एतबार से अगर हम लोग काबिल हो जाते हैं और इतनी इस्तेदाद रखते हैं तब है। लेकिन उम्रा चूंकि 75,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक, 90,000 रुपये तक के पैकेज होते हैं, तो ये उम्रा पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ खींचना, बुलाना और रगबत दिलाना कि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह के घर का सफर करें और उम्रा अदा करें। अच्छा, कितने अब तक ग्रुप भेज चुके हैं आप इस साल? लब्बैक टूर्स एंड ट्रेवल पिछले 7 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस साल का हमें, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, बस आप लोगों की दुआओं से, तमाम हाजियों की, तमाम ही मेरे रामपुर जिले वासियों की दुआओं से हर महीना मेरी 2 बस निकल रही है। पता नहीं कितनी भी बस है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन बराबर बसें मेरी हर महीना 2 बसें 3 बसें अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही है। इस बार आपने कुछ घोषणा की है? जी, इस बार मैंने हाजी लोगों के लिए सबसे बड़ी आज की 1 दिसंबर से जो खदमत स्टार्ट की है वो ये है कि अभी तक जो मेरी कोशिश रहती थी वो दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने की थी, हाजी लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से इसी पैकेज से ये शुरू किया है कि बस हमारी दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ के आएगी और जब उमरा ग्रुप वापस दिल्ली आएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट से रामपुर लेकर के आएगी भी। मैसेज यही है कि हम यहाँ पर आए हैं हमारे समाज सेवी साथी भाई जो हैं बाबू भाई, इनके साथ। सबसे बड़ी बात तो ये, आज खुद उम्रे पे जा रहे हैं इस टीम के साथ, जत्थे के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि रामपुर के अंदर शुरुआत, मैं समझता हूँ कि इसमें रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति भी यही है, यही शख्स है जिन्होंने इस पैकेज को बड़े सस्ते दामों तक लोगों तक पहुँचाया है और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमेशा से, और समाज सेवा में काम करते हैं। तो इस जत्थे को मेरी दुआएं हैं, ये जो जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो जा रहे हैं, और इन इनसे मैं खुद दुआएं हासिल करने के लिए कि भाई हमारे लिए भी दुआ करना, बाबू भाई से भी कहा है हमारे लिए दुआ करना, तो इसलिए आया हूं। और मेरी दुआएं हैं
लबैक टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, कि अल्लाह ताला इसको दिन दोगुनी रात दोगुनी चौगुनी तरक्की दे और खिदमत का मौका देता रहे। जो वैसे तो ये खुद ही माशाल्लाह खूब खिदमत करते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, और अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिले। जो हाजी हैं वो एक इबादत करने जा रहे हैं और उनकी सर्विस देने वाले की भी एक इबादत है उसके अलावा। तो जो टूर एंड ट्रेवल्स हम चला रहे हैं मान लो, तो अगर उसमें इनको कुछ भी कोताही हमारी तरफ से होगी, ये यकीनन के हमारे लिए गलत है। और अगर इनके दिल से दुआ निकल गई कि भाई खाना अच्छा मिला, बेड अच्छा मिला, तो ये इनके लिए आखिरत भी समर गई। तो बस मैं यही, मुझे माशाल्लाह इनकी काम से सेटिस्फेक्शन है और माशाल्लाह। और जाहिर सी बात है, मैं मुझे क्या, ये जो आज इतनी तादाद में लोग